मुझ पर नजर रख दो अच्छी बात नहीं होती किसी को ऐसे चुपके चुपके देखना वैसे तो मुझे नहीं पता था तुम्हें मेकअप का इतना शौक है शौक नहीं है हेलो गाइस आप कैसे हैं अच्छी होंगे तो यहाँ पर मैं ये लेकर आई हूँ एक फेशियल की वीडियो और आपने एक वीडियो देखी होगी इसमें आगे लगी इंट्रो में तो वो है हमारे इस फेशियल को करने के बाद का ग्लो बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट रहा तो मैंने सोचा आपको शेयर करूं तो ये नेचुरल फेशियल नहीं किया है मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया था जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो देखिए ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और मैंने पर्पल से परचेज़ किया था चलिए डिटेल में देख लेते हैं ये है डर्म डॉक का डार्क स्पॉट रिडक्शन फेशियल किट है और और यहाँ पर जो इसके बारे में डिटेल में दिया गया है इसमें मेन चीज़ है सोडियम एस्कॉर्बिक एसिड जो कि एज को एंटीऑक्सीडेंट होता है और बूस्ट करता है कॉलेजन को और इन्हेंस करेगा आपके कॉम्प्लेक्शन को गोरा बनाएगा ये दूसरा इसमें नाइसिनामाइड जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और मैनल को कंट्रोल करेगा बढ़ने नहीं देगा हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करेगा और स्किन का जो टेक्सचर है उसको इवन करेगा तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर थर्टी सिक्स ग्राम में है ये तो इसके बारे में और भी डिटेल में कर्टन पर लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं इसकी प्राइस वन फाइव फाइव है जो कि मैंने पर्पल से ही मंगाया था पहले भी मैंने आपको बताया है और यहाँ पर इसके स्टेप बताए गए हैं कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है और फेशियल का तो ज़्यादातर एक ही तरीका होता है फ़ाइव स्टेप होते हैं सभी फेशियल किट में लगभग और किसी में एक दो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं स्किन के अकॉर्डिंग अगर कोई स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक दो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं तो सादा सा ही एक कर्टन का इसका पैकेट है और उसमें हमें मिले हैं फाइव पाउचेस तो काफ़ी छोटे छोटे ही क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है इन पाउचेस की और वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप्स दिए गए हैं तो इसमें क्लिनजर है स्क्रब है टोनर है क्रीम है और लास्ट में है पील ऑफ मास्क तो ये फाइव स्टेप हैं कभी कभी पील ऑफ़ मास्क नहीं होता फेस पैक भी होता है तो इस तरह से इसके एक दो स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं तो जो फेशियल होते हैं वो अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं तो यहाँ पर जो है वो हफ्ते में एक बार यूज़ करना है और बहुत ही ज़्यादा डार्क स्पॉट्स के लिए है उसको ख़त्म करने के लिए फेशियल लिया हुआ है तो थोड़े से मेरे पिंपल विम्पल के निशान हो गए थे जिसकी वजह से स्किन बहुत ही ज़्यादा डल और रफ़ लग रही थी तो चलिए कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप यूज़ कर रहे हैं यूज़ कैसे करना है इसको थोड़ा सा हमें क्रीम हाथ में लेनी है और फिंगर पर लीजिए इसको आप पाम पर मत लीजिए फिंगर से लेते हैं तो ईज़िली वो फेस पर अप्लाई हो जाती है और फेस पर उसी फिंगर टिप से ही हमें मसाज करनी होती है तो यहाँ तो मैं बस ऐसे ही स्टेप बता दे रही हूँ थोड़े थोड़े आप देख सकते हैं और इसको आप वॉश कर लीजिए या फिर टॉवल से साफ़ कर लीजिए ठीक तो क्लिनर मेन इम्पॉर्टेंट हमारा फेशियल का स्टेप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है उससे आपके जो फेस पर डर्ट है वो साफ़ हो जाती है उसके बाद में हम अप्लाई करते हैं स्क्रब स्क्रब से क्या होता है जो भी डेड सेल्स हैं हमारे फेस पर पोल्यूशन है और जो पोर्स के अंदर गंदगी चली गई है पिंपल्स की वजह से जो और भी पिंपल्स निकलने लगते हैं तो आपकी स्किन साफ नहीं कर पाते हैं तो आप इससे स्क्रब कीजिए स्क्रब के स्टेप आप इस तरह से फॉलो कीजिए जिससे कि आपके जो फेस पर जितना भी अंदर तक का हिस्सा है और गर्दन को बिल्कुल भी मत भूलिए थर्ड स्टेप हमारा है टोनर तो टोनर क्या करता है ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और पोर्स को मिनिमाइज़ करता है तो इसको भी हमें दो तीन मिनट ही करना है बहुत ज़्यादा कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि स्किन पर रैशेस पड़ जाएं बहुत ज़्यादा स्किन लाल हो जाए तो इतना कुछ नहीं करना है स्क्रब भी हमें दो तीन मिनट ही करना है दो तीन मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं फेस के लिए क्योंकि फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है नाजुक होती है हल्की होती है तो ऐसे इसको लगाना है और सर्कुलर मोशन में इसको हमें मसाज करना है बहुत ही लाइट तरीके से बहुत ही हैंड जो आपका है बहुत ही हल्का होना चाहिए फ़ेस पर तो फेशियल से आपकी स्किन टाइट होगी और जो भी उस पर गंदगी है पल्यूशन है स्ट्रेस है वो भी कम होगा जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करेगी चमकने लगेगी और जो भी उस पर पिंपल की प्रॉब्लम है वो भी तो दूर होनी है और डार्क स्पॉट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे तो यहाँ पर है फोर्थ स्टेप और ये है क्रीम क्रीम फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है मतलब मेन स्टेप होता है क्योंकि क्रीम एक ऐसा है जिससे हम मसाज कर सकते हैं और क्रीम से हमें कम से कम थ्री से फाइव मिनट तक मसाज करनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इससे क्या होता है स्किन रिजुमिनेट होगी स्किन को रिलैक्स मिलेगा टेंशन दूर होगी आपके फेस पर जो भी प्रॉब्लम आती है टेंशन की वजह से और भी ज़्यादा आती है पल्यूशन की वजह से आती है तो जब हम मसाज करेंगे तो हमारे फेस पर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमें रिलैक्स फील होता है तो मसाज इसलिए बहुत ज़रूरी होती है बहुत सारी क्रीम हमने फेस पर लगाई और उसके बाद में सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे फेस को नीचे से ऊपर की तरह हमें मसाज करनी है हल्के हाथों से गर्दन को भी साथ में लेना है क्योंकि गर्दन फेस के नीचे सबसे इम्पोर्टेंट होती है गर्दन छूट जाती है तो फेस तो चमकता हुआ दिखाई देता है लेकिन गर्दन हमें काली काली दिखने लगती है जो कि सबसे बुरा स्टेप होता है हमारे फेशियल का या हमारे मेकअप का तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप गर्दन को बिल्कुल ना छोड़ें फिर हमारा स्टेप है फाइव जो कि है पील ऑफ तो पील ऑफ मास्क आप को कोई सा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल अलग है इसका जो टेक्सचर है वो है क्रीमी और जो इसका कलर है वाइट है इसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई वाइट पेस्ट जो होता है उस टाइप का इसका कलर था उसमें थोड़ा सा शाइन भी था और एकदम वाइट था और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी था डबल शेड में था कुछ आ, कुछ इसमें से हमें ट्रांसपेरेंट निकल रहा था कुछ हमें कलर में निकल रहा था वाइट कलर में तो इसको हमें पूरा ही लगाना था अच्छे से मोटी सी लेयर लगानी है जिससे कि जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर ईजीली ये निकल भी जाएगी तो पील ऑफ डर्ट पल्यूशन गंदगी जो भी हमारे फेस पर रह जाती है रोए रह जाते हैं छोटे छोटे तो उनको निकाल के बाहर कर देता है ऑयल को बाहर निकलने नहीं देता है कंट्रोल करता है तो ये देखिए फेशियल के बाद आप देख सकते हैं फेस कितना ग्लो कर रहा है और ये जो फेशियल किट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फेस के लिए इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए ये पर्सनल मेरा यूज़ किया हुआ तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हेल्पफुल रही आपके लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए